और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड के सिलक्यारा गांव में निर्माणाधीन सुरंग धंसने से 41 मजदूर पिछले 8 दिन से सुरंग के अंदर कैद है। गुजरते वक्त के साथ मजदूरों के हौसले टूट रहे हैं, उनके परिजनों की चिंता भी बढ़ती जा रही है। इसी बीच हालात का जायजा लेने बंसल न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो उत्तराखंड पहुंची, जहां बंसल न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील सिंह बघेल ने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। उत्तराखंड में बर्फ और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से ढकी हसीन वादियां हमेशा से देश भर के सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रही हैं। देश भर से सैलानी यहां चार धाम की यात्रा करने आते हैं। उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावना के चलते यहां लोगों के आने जाने को सुगम बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार रोड और सुरंग से जुड़े प्रोजेक्ट को प्राथमिकता देती रही है, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसे ही एक प्रोजेक्ट के दौरान गंगोत्री यमुनोत्री जाने वाले चार धाम मार्ग पर एक सुरंग अचानक धंस जाएगी और उसके अंदर 41 मजदूर फंस जाएंगे। इस वक्त हम सिलक्यारी टनल में हैं, उत्तराखंड के जो मेरे पीछे जो टनल नजर आ रही है, इसी टनल में 41 लोग फंसे हुए हैं और आज 7 दिन से ऊपर हो गए हैं और उनको निकालने के हर प्रयास जारी है। मैं कहूँगा जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाइएगा, जो आपको ये लाल कलर का नजर आ रही है मशीन, रेड कलर की, ये रेड कलर की मशीन यही इंदौर से आई है और इसके अलावा इसी मशीन से हिट करके और रेस्क्यू का ऑपरेशन करने की कोशिश की जा रही है। ये टनल करीब 4.5 किलोमीटर लंबी बनाई जानी है। इसके बनने से सिलक्यारा बड़कोट की दूरी करीब 30 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे चार धाम जाने का रास्ता और आसान हो जाएगा। दुर्घटना के दिन से ही टनल बनाने वाली हैदराबाद की कंपनी दावा कर रही थी कि 2 से 3 दिन में बचाव का काम पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखा। जोजिला टनल के विशेषज्ञ हरपाल सिंह ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन की विस्तार से जानकारी दी। 600 मीटर का रोड बनेगा जी, ऊपर मशीन जाएगी, 86 मीटर का होल लगेगा जी, मशीनें रास्ते में है जी, वो अगर वो काम करना पड़ा तो वो भी 4 या 5 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। इसमें मैं कैमरामैन से कहूंगा, ये ऊपर जो पेड़ मेरे नजर आ रहे हैं इनको दिखाएं, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं इन्हीं पेड़ों के पीछे जाकर के एक नई सड़क बना करके और वहां से अब हॉरिजेंटल के बजाय वर्टिकल ड्रिल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सड़क बनेगी और फिर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की नई मशीन आएगी जो वर्टिकल ड्रिल करेगी और उन मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश करेगी। हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं है। 41 दिन से सुरंग में फंसे मजदूरों के हौसले गुजरते वक्त के साथ कमजोर पड़ने लगे हैं। उनसे संपर्क के लिए पानी की पाइपलाइन का सहारा लिया जा रहा है, उसी के जरिए उन तक खाना, पानी और ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। मजदूर अपने परिजनों से बात भी कर पा रहे हैं। वहाँ जो भीतर फंसे हुए हैं लोग, आपके भी परिजन फंसे हुए हैं? हाँ, मेरा गांव के लड़के सब हैं। तो उनसे कैसे बात कैसे की जा रही है, कैसे बात कर रहे हैं? पाइप के द्वारा। कैसे, किस चीज का पाइप है, कैसे था वो? पानी पाइप है, पानी उसमें ज्यादा था। तो क्या कहना पड़ रहा है भीतर लोगों का, उनका वो कैसे है कैसे नहीं, वो हाल मामला पूछना पड़ रहा है, उसमें खाना वाना उसी में जाना। बहुत घबराए हुए तो नहीं है? नहीं नहीं, वैसे तो बात नहीं है जी, कंपनी तो उसके बारे में तो सोच रही है। कल्पना कीजिए कि आप लिफ्ट में हो और अचानक लिफ्ट बंद हो जाए, महज 5 से 10 मिनट के अंदर आप परेशान हो जाएंगे और जैसे तैसे बाहर निकलने की कोशिश में लग जाएंगे। अब सोचिए उन 41 मजदूरों पर क्या बीत रही होगी जो पिछले 8 दिन से सुरंग में कैद हैं। विपरीत हालात से जूझकर जीतना इंसान की फितरत रही है। आशा है सबकी कोशिशें रंग लाएंगी और मजदूरों तक पहुंचकर हम मिशन ऑपरेशन जिंदगी को सफल बना पाएंगे। उत्तरकाशी से बंसल न्यूज के लिए सुनील सिंह बघेल।